हाउ टू स्पाई योर कंपेटिटर्स और एनीवन लाइक अ प्रो। जी पहले हम समझते हैं कि स्पाइंग बेसिकली है क्या। स्पाइंग सिंपली रिसर्च है जो अपने कंपेटिटर्स और किसी भी ऑनलाइन बिजनेस पे करते हैं यूजफुल इंसाइट हासिल करने के लिए। सक्सेसफुल बिजनेस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेसिकली आज जो बिजनेस सक्सेसफुल हैं वो एक ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजरकर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप क्विकली वो इंसाइट्स हासिल करते हैं, 3 or 5 साइट्स पे रिसर्च करते हैं और विद योर ओन ट्विस्ट अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके क्विकली ग्रो करते हैं। वी स्टार्ट राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैसल है। आज हम स्पाइंग के बारे में सीखेंगे। इन बिजनेस स्पाइंग इज ऑल अबाउट नोइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर कंपेटिटर। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट वे वेन एवर आई रिलीज मोर अमेजिंग कॉन्टेंट लाइक दिस यू विल गेट नोटिफाइड। तो चलें जी हम अपना रोड मैप देखते हैं कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो चलें जी कंप्यूटर पर चलते हैं और अपनी आउटलाइन देखते हैं। तो जी क्विकली हम अपनी आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जी डोमेन एंड होस्टिंग कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंडली वेब पेज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि ये वेबसाइट जो है ये कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज़ कर रही है। थर्ड फाइंड अदर वेब प्रॉपर्टीज़, उस वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट्स कौन सी हैं और अदर वर्ड्स सेम ओनर की और डिफरेंट वेब प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। फोर्थ कीवर्ड्स रैंकिंग पोजिशंस एंड बैकलिंक्स, इस सेक्शन में हम देखेंगे जी गूगल पे उस वेबसाइट के कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हैं, उनकी पोजीशंस क्या है, जो बैकलिंक्स हैं वो कौन सी डिफरेंट साइट से आ रहे हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि आप वो इजी टारगेट्स फाइंड करके आप अपनी वेबसाइट के लिए इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। फिफ्थ वन जी पेज एंगेजमेंट डाटा। पेज एंगेजमेंट डाटा में आप वेबसाइट्स पे कहाँ पे ज़्यादा एंगेजमेंट है, इस तरीके का डाटा फाइंड करते हैं ताकि आप अपने एनालिसिस उस पर कर सकें और उस वेबसाइट से रिलेटेड जो उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो फाइंड आउट कर सकें और जो चीज़ें उस वेबसाइट के लिए काम कर रही हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली सिक्स, एट द एंड आपके लिए एक एडिशनल बोनस टिप है जी। तो जी अब हमें ये सब चीज़ें करने के लिए हमें कोई एक वेबसाइट चाहिए जिस पे हम ये सब चीज़ें अप्लाई करके फाइंड आउट कर सके कि हम सेम चीज़ किसी भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे कैसे अप्लाई करके जनाब स्पाइंग कर सकते हैं। तो जी इस पर्पज़ के लिए मैंने अली रज़ा भाई के साथ कॉन्टेक्ट किया था कि भाई मैं आपकी वेबसाइट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू हिम, उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो जी अब हम अली रज़ा भाई की वेबसाइट पे जनाब जाते हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। वन, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड होस्टिंग। तो जनाब ये अली रज़ा भाई साहब की वेबसाइट है, तो अब हमने डोमेन एंड होस्टिंग फाइंड आउट करनी है कि जी इनका डोमेन रजिस्ट्रार कौन है और ये होस्टिंग कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है जी कि ये जो नाम है वेबसाइट का, ऐसे अली रज़ा .co, जो इस तरह मेरी वेबसाइट है वो thedesimarketer.com, ये डोमेन नेम है। और होस्टिंग जो है, ये होस्टिंग का मतलब है कि जी जो सारी फाइल्स हैं वो कौन सी कंपनी के सर्वर्स पे पड़ी हैं जहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देख, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हम फ्री वाले टूल्स यूज़ करें। तो जी अब हम डोमेन एंड होस्टिंग फाइंड आउट करने के लिए हम एक वेबसाइट पर जाते हैं, ये जी who.is में जाके हम अली रज़ा भाई के वेबसाइट लिखते हैं जी, alireza.co। ये जी वैसे तो अली रज़ा भाई की ये प्राइवेसी उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन हम डोमेन एंड होस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं जी। ये अंडर रजिस्ट्रार इन्फो ये आपको आ गया जी कि रजिस्ट्रार जो है यानी डोमेन इन्होंने ली हुई है dyna.llc वालों से ली हुई है। और होस्टिंग जो है होस्टिंग ये जैसे GoDaddy है, Namecheap है, ये सारी होस्टिंग कंपनीज हैं। तो अली भाई की जो होस्टिंग कंपनी है वो crocweb.com है जी। अच्छा होता यूँ है कि इसमें ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, आप जहाँ से भी होस्टिंग खरीदते हैं आपको अपने नेम सर्वर्स में उसका एड्रेस देना होता है।
तो जी अब ये क्रॉक वेब होस्टिंग आ गई, रजिस्ट्रार डायना डॉट आ गया। अब हम लेट से हम देख लेते हैं, लेट से हम सोचते हैं भी अगर हम फ्यूचर में हमने डायना डॉट से लेना तो डायना डॉट हमें कितने में ऑफर्स करता है डोमेन्स वगैरह। तो सिंपली अगर आप गूगल पे लिखें डायना डॉट, तो जी डायना डॉट ये साइट आ गई, यहाँ पे आप जाके इनके रेट्स वगैरह देख सकते हैं। सेम अब हमने होस्टिंग वाला देखा था जी, वो था जी क्रॉक वेब। क्रॉक वेब अगर हम लिखें गूगल पे, क्रॉक वेब, तो जनाब ये क्रॉक वेब हाई परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग, यहाँ पे जाके आप अपने इनके होस्टिंग के पैकेजेस देख सकते हैं। होता जो है सम टाइम आप देखते हैं कि यार ये वेबसाइट जो है ये लोड बड़ी क्विकली हो रही है, इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, तो मैं एटलीस्ट देखूँ तो सही जाके ये कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं और उनके पैकेजेस क्या हैं। तो जी इस तरीके से आप डोमेन एंड होस्टिंग। टू, हाउ टू फाइंड वेब पेज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। तो अब हम देखते हैं कि अली रजा भाई कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। इस पर्पज़ के लिए बहुत सी प्लगइन्स भी हैं, जैसे वर्ड ट्रांसवेयर और बहुत सी प्लगइन्स हैं, लेकिन वी विल मेक इट सिंपल। हम ऑनलाइन साइट्स ही ढूंढते हैं जो हमें बता दें जी। तो जी अब हमने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फाइंड आउट करनी है। तो जी हम सबसे पहले मोस्टली जो ब्लॉगर्स वगैरह वो तो वर्डप्रेस मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जी कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। जी मेक श्योर करने के लिए ये वर्डप्रेस ही यूज़ कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट है wordcms.org, यहाँ पे मलि रजा भाई की साइट लिखते हैं। ये जी इसने हमें बता दी जी वर्डप्रेस ही यूज़ कर रहे हैं। अब जी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो हमने फाइंड आउट करना है जी कि ये कौन सी थीम एंड डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए जी एक वेबसाइट है था वो WP थीम डिटेक्टर है, WP थीम डिटेक्टर, हाँ जी। तो जी हाँ जी WP थीम डिटेक्टर आ गई साइट, यहाँ पे हम अली रजा भाई की साइट लिखेंगे। वंस अगेन यहाँ पे हमने लिखा जी अली रजा .co। हाँ जी ये कुछ सेकंड लगाएगा, मेरा लग नॉर्मली 15-20 सेकंड लग जाते हैं। हम वेट करते हैं, देखते हैं जी। चल हाँ जी, तो जी ये हमें दिखा रहा जी कि ये स्टार्टर थीम यूज़ कर रहे हैं जो हैप्पी थीम्स वालों की है, और ये डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। इसमें WP रॉकेट, योस्ट SEO, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं और आप चाहते हैं जी कि मैं भी अपनी वेबसाइट पे करूं, तो यहाँ से आप सिंपली वो फाइंड आउट कर सकते हैं जी कौन सी प्लगइन है। आप सिंपली डाउनलोड प्लगइन को दबाइए, आप सिंपली वो आपको लिंक ओपन हो जाएगा। ये आपको इस साथ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है जी कि WP पोस्ट रेटिंग्स वाली जो प्लगइन है ये फ्री है, ऑटो अफिलिएट लिंक्स फ्री प्लगइन है। तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से जी कौन सी है। और जो अगर आपने थीम, अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं यही वाली थीम लूँ, तो जनाब यहाँ से आप ये हैप्पी थीम्स वालों की आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, ये हैप्पी थीम्स जो है वो ओपन हो गई। तो जी अब हाँ जी यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने नाम भी बताया था जी ये हैप्पी थीम्स वालों की स्टार्टर थीम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हमने अली रजा भाई की दूसरी वेब प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने देखा था हो डॉट इज में अली भाई ने प्राइवेसी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल प्रिंट्स फाइंड आउट करना बहुत आसान काम है। आपके लिए मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं जी। तो जी अब ये साइट है, हमने दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। तो जी एक एक वेबसाइट जी पहले चल के देखते हैं जी। एक वेबसाइट है जी बिल्ट विद के नाम से, builtwith.com। यहाँ पे आए जी, ये भी जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने सिर्फ वो थीम और प्लगइन्स के बारे में देखा था। ये आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताएगा जी कि ये वेब पेज पे जो एनालिटिक्स कौन से यूज़ हो रहे हैं और कौन सी डिफरेंट अदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं। लेट्स से
ये जी स्टैट्स काउंटर इसने फाइंड आउट किया, ये भी एक एनालिटिक्स टूल ही है कि आपको बताएगा जी कि साइट पे कितनी ट्रैफिक स्टैटिस्टिक वगैरह बताता है जी। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन वो सेम है जो डब्ल्यू पी थीम डिटेक्टर ने दिखाई थी, जैसे डब्ल्यू पी रॉकेट आ गया जी। जी यहाँ पे इसने जी ब्लोम वर्डप्रेस प्लगइन भी फाइंड आउट करके योस्ट ये वही आ गया जी। अच्छा जी यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं जी, वैसे इसने ये अकाउंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसने बता दिया कि जी वर्डप्रेस है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाइए तो हाँ जी जी लेट्स इंक्रिप्ट, इसने ये भी बता दिया जी कि ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये लेट्स इंक्रिप्ट जो है ये फ्री में ही आप वो HTTPS को यूज़ करने के लिए जनाब यूज़ करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग होस्टिंग प्रोवाइडर आप सिंपल लेट्स इंक्रिप्ट वालों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की जो सबसे मज़े की बात है वो जनाब यहाँ पे एक टैब है रिलेशनशिप प्रोफाइल के नाम से। ये रिलेशनशिप प्रोफाइल में जनाब ये कर ये रहा है जी कि अली भाई की वेबसाइट पे इसने जो एनालिटिक्स की जो ID फाइंड आउट की थी ना ये उसका नंबर दिखा रहा है। ये साइट स्टैटिक क्या नाम था यार उसका, हाँ जी ये स्टैट काउंटर वालों का जो एनालिटिक टूल है ये उसका नंबर है। अब इसने जनाब ये फेसबुक वालों का जनाब ये फेसबुक पिक्सल है या पता नहीं क्या है उसका जनाब नंबर है, हाँ जी फेसबुक पिक्सल ही है जी। तो जी अब सीन ये है कि इसने किया ये कि इसने दूसरी वेबसाइट्स पे भी ये सेम एनालिटिक्स ID या दूसरी जो IDs फाइंड आउट की थी उसने इसका आपको एक रिलेशनशिप प्रोफाइल बना दिया। अब ये alireza.co वाली हम साइट चेक कर रहे थे, इसने कहा जी कि इसकी ये वेबसाइट जो है इनकी रिलेशनशिप इन वेबसाइट्स के साथ है जी। ये जी ये tattoosalbum.com, सिंपल naildesigns.com, adore.pk, ब्लॉगिंग्स अर्निंग, मसाज एंड स्पाक्लब.com, ये कह रहा जी ये भी इस वेबसाइट का भी ओनर जो है वो सेम बंदा है। उसका उसने रिलेशन इस तरह बनाया जी कि इस पे जनाब जी एनालिटिक्स जो IDs ने फाइंड आउट की थी उसने वो इन वेबसाइट्स पे भी ये सेम एनालिटिक्स ID फाइंड आउट उसने की थी। और ये आपको जो है वो साथ टाइम फ्रेम भी बता रहा जी कि मार्च 2016 से ये 2000 अक्टूबर 2017 तक इसको यहाँ पे ये फाइंड आउट हुआ था। अब ये इन पे आप इतना ट्रस्ट मत कीजिएगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, लेकिन ये आपको एक क्लू दे देता है जी कि यहाँ पे ये फाइंड आउट सेम एनालिटिक्स ID हुई थी। अब जस्ट टू मेक श्योर कि जनाब ये हमें सेम ID बता रहा है जी, हम ऐसा करते हैं कि हम खुद देखते हैं कि अभी ये वेबसाइट पे अली भाई अगर एनालिटिक्स टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या ID है वो जाके जी हम देखते हैं जी। पहले अगर हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, गूगल क्रोम में जनाब एक ये लेट से मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है गूगल टैग असिस्टेंट के नाम से, इसको आप यहाँ से अनेबल कर रहे हैं, रिकॉर्ड को दबा दीजिए। अब ये पेज को अगर आप लोड करेंगे तो जनाब अगर इसको जो टैग फाइंड आउट होगा उसका आपको ये नंबर भी दिखा देगा। यहाँ पे जनाब ये इसने आपको दिखा दिया जी 4662808, अगर हम यहाँ पे देखें जी हाँ जी ये 098 जी जी सेम एनालिटिक्स अली भाई की साइट पे अभी भी है जी। और अगर आप इसको किसी टूल के बगैर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो टूल्स भी बने हुए हैं टूल्स ही जस्ट आपकी आसानी के लिए बने हुए हैं, इनमें कोई हिडन सीक्रेट चीज़ नॉर्मली नहीं होती। ये देखें जी अगर आप क्विकली अगर आपने टूल्स ये क्या कहते हैं जनाब ये अगर आपने इसके बगैर अगर आपने गूगल टैग असिस्टेंट डाउनलोड किए बगैर अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइंड आउट करूँ तो उसका सिंपल तरीका जी आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में चले जाइए, यहाँ पे जनाब जाके हम फाइंड आउट करते हैं जी UA- हम अगर हम लिखें डालेंगे साथ तो जनाब ये हमें ID निकाल देगा जी। हाँ जी यहाँ पे देखिए जी ये इसने इसकी UA एनालिटिक्स टूल की UA ID फाइंड आउट कर दीजिए। तो आप चाहे वो डाउनलोड करके जी कीजिए चाहे वैसे फाइंड आउट कर लीजिए, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये टूल जो है हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जी। फॉर हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स रैंकिंग पोजिशंस एंड बैकलिंक्स,
कीवर्ड रैंकिंग पोजीशंस और बैकलिंक्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं कि जी इस वेबसाइट जो है ये वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पर रैंक करती है, पोजीशंस और बैकलिंक्स, ताकि अगर हम उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, अगर हमारा सिमिलर आर्टिकल है तो हम सिंपली उन्हीं बैकलिंक्स पे जाएं, और वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी होती है समटाइम वो कमेंट्स के होंगे या समटाइम किसी ब्लॉग 2.0 के बनाए होंगे, और वहाँ पे आप भी अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कीवर्ड्स का मतलब है लेट से जो कीवर्ड आप गूगल पे सर्च करते हैं, लेट से अगर आप देसी मार्केटर लिखेंगे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह अगर आप अली रज़ा डिजिटल मार्केटिंग और इससे रिलेटेड कीवर्ड लिखेंगे तो अली रज़ा भाई की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये कीवर्ड जो आप सर्च क्यूरी जो आप वहाँ पर सर्च कर रहे हैं गूगल पे, आप रैंकिंग पोजिशन वो कौन सी पोजिशन पर आ रहा है गूगल पे, और जो बैकलिंक्स है बैकलिंक्स मीन के जो दूसरी अदर वेबसाइट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे रेफ़र कर रही हैं, वहाँ पे मेंशन है जी नाम या एंकर टेक्स्ट और आगे लिंक जो है वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो जी अब हम देखते हैं जी, इसके हमने कीवर्ड रैंकिंग पोजीशंस और बैकलिंक्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं। मेरे पास ऑलरेडी एएचरेफ्स की मेम्बरशिप है, तो मैं सिंपली एएचरेफ्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अली रज़ा भाई की जो है वो साइट लिख देते हैं जी, लेट्स से जी यहाँ पे जी हमने वेबसाइट लिख दी। अब जी हमें अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी, ये ए एच रेफ जो है जस्ट आपको समझें एक क्लू दे रहा है, ये 100% वो रिजल्ट नहीं, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि मोस्टली चीज़ों का जनाब के क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें चल रही है ना। अब ये ओवरऑल जनाब यहाँ पे मुझे बैकलिंक प्रोफाइल दिखा रहा है, और ऑर्गेनिक सर्च पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मीन के गूगल पे जो फ्री वाले ट्रैफिक है जब लोग सर्च करते हैं तो उस पे क्या पोजीशन है। ये राइट साइड पे जी एक कंट्री स्पेसिफिक मुझे इसके कीवर्ड्स बता रहा है, यहाँ पे यूएस में किस तरह आ रहा है। तो मैं सिंपली जनाब जाता हूँ जी यहाँ पे, इधर से जी हम टॉप पेजेस को दबाते हैं, तो हमें इस वेबसाइट के टॉप पेजेस एचरेफ्स के मुताबिक जो टॉप पेजेस हैं हमें वो दिखा देगा जी। तो यहाँ पे जनाब जी हाउ मच डू यूट्यूबर्स मेक, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे हम बता रहे जी के एचरेफ्स के मुताबिक इस पेज की जो वर्थ वैल्यू है वो जनाब वो ये है, और इसके टॉप कीवर्ड्स ये है जनाब उस पेज से रिलेटेड ये कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं भी देख रहा था ये हाउ मच डू यूट्यूबर्स मेक, इस पे जनाब ये 644 जनाब कह रहा है कि जी कीवर्ड्स रैंक हैं गूगल में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जनाब मुझे इसने कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल दी। ये सिर्फ एक पेज की बात हो रही है कि एक पेज पे कितने कीवर्ड्स पे रैंक है ना, ये सिर्फ ये एक सिंगल पेज, तो एक पेज जो है वो थाउजेंड्स कीवर्ड्स पे भी रैंक हो सकता है। अभी हमें हर कीवर्ड की स्पेसिफिक पोजीशन बता रहा है, लेट्स से ये हाउ मच डज यूट्यूबर्स पे, ये 23rd पोजीशन पे है, यूट्यूबर्स पे पर व्यू, ये सारा जनाब आपको लिस्ट दिखा रहा है। ये नेक्स्ट 10 आ गया, ये नेक्स्ट 10 की आ गई। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं जी कि हम बैकलिंक्स देखें, हम यहाँ पे हमने सिंपली बैकलिंक पे क्लिक किया, सॉरी ये जनाब ये बैकलिंक्स प्रोफाइल उसकी दिखा रहा है कि जी कौन कौन सी साइट है इस पे लिंक्स रेफर कर रहे हैं इनकी अली भाई की वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप कोई भी देखिए जी, लेट से ये जनाब एक लिंक है जी फीड फ्लोर पे, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये हमें जनाब वो दिखा देगा जी कि ये कहाँ से आ रहा है जी। हाँ जी ये अली रज़ा विल हेल्प यू लर्न हाउ मच यूट्यूबर्स मेक, यहाँ पे जनाब ये अली रज़ा भाई की वेबसाइट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है जनाब के इसके आगे मज़ीद स्टेप्स हैं, आप देखते हैं कि जनाब इसकी पेज की डोमेन अथॉरिटी क्या है, मुझे किस तरह डिवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन जस्ट सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जी, ये सिंपल जनाब दिखा रहा है फ्री बिजनेस प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे अपनी भी बना सकते हैं, सिंपली लिख के जनाब आप नीचे अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना के अपनी वेबसाइट पर लिंक रेफ़र कर दीजिए। अब जनाब ये इसमें मज़ीद जनाब आप और देख सकते हैं जनाब के और कहाँ कहाँ से आ रहा है,
जी मीडियम से लिंक आ रहा है, नो प्रिसाइजली हाउ मच यू कुड अर्न ऑन यूट्यूब, और जनाब ये इस पेज पे जा रहा है हाउ मच डू यूट्यूबर्स मेक जी। अगर हम इसको क्लिक करते हैं जी तो जी यहाँ से लिंक आ रहा है। अब जी ये लिखिए जी, ये सेठ ठिरकल ने जनाब पोस्ट लिखी है, मीडियम पे आप भी जनाब जाके लिख सकते हैं। अब जी यहाँ से जनाब ये हाउ मच एंकर टैक्स इसका देखिए, हाउ मच मनी डू यूट्यूबर्स मेक, सेम जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं उस पे जनाब ये इन्होंने मीडियम पे जनाब पोस्ट लिख के वहाँ से लिंक आ रहा। अगर आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए जी अली भाई की वेबसाइट पे पॉइंट आउट कर गया जी वो। अगर आप रेप्लिकेट करना चाहें आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्पाइंग टूल्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। आप सिंपली देखते हैं कि जी कंपेटिटर्स को बैकलिंक कहाँ से आ रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि भी आइदर मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए कि नहीं, वो एक सेकेंडली चीज़ है, लेकिन फाइंड आउट का बैकलिंक्स कहाँ से आ रहे हैं आप वो ईजिली जनाब इन टूल्स की हेल्प से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब हमने बैकलिंक्स देख लिए, ऑर्गेनिक सर्च में जनाब ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हैं उसकी लिस्ट आ गई सारी, टॉप पेजेस आ गए। एच रेफ वन ऑफ द बेस्ट टूल है। इसके अलावा डिफरेंट फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आजकल एक बड़ा पॉपुलर है नील पटेल का ओबर सजेस्ट के नाम से, वो जनाब आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं जी। ओबर सजेस्ट अगर आप गूगल पे लिखें तो सिंपली आपको ये ओबर सजेस्ट निकाल देगा जी। हाँ जी यहाँ पे भी आप ये आप फ्री में जनाब किसी भी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जी सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए, जी कुछ सेकंड लगाएगा आई गेस ये। तो इस भी आप ये लेफ्ट साइड पर देखें तो जनाब यहाँ पे भी ये टॉप पेजेस कीवर्ड्स, ये जनाब ये चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन रिमेंबर ये जस्ट एक आइडिया देता है आपको। अगर आप अपने किसी भी अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप देखेंगे जी आपके एनालिटिक्स में कितनी ट्रैफिक आ रही है और ये टूल्स कितने ट्रैफिक दिखा रहा है, तो आपको ये डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। तो चलें जी इसके साथ हमारा ये सेक्शन भी ख़त्म हुआ। 5 पेज एंगेजमेंट डाटा। पेज एंगेजमेंट डाटा इस सेक्शन में हम चाहते हैं जी कि हम फाइंड आउट करें कि किस तरह की पोस्ट पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है साइट पे। ये जस्ट हमारे अपने एनालिसिस के लिए हैं। आप वेबसाइट से कोई भी डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं डाटा स्क्रैप करना चाहता हूँ जिसमें टाइटल्स शो हो मेरे पास, ऑथर कौन है वो आ जाए मेरे पास, और ये कौन सी कैटेगरी में, जैसे ये ब्रांडिंग वाली कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी में है, मैं वो वाला डाटा स्क्रैप कर लूँ। ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या चाहते हैं ना। तो इसका प्रोसेस जो है, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं डाटा स्क्रैप करने के लिए, लेकिन हम सबसे इजी वे फाइंड आउट करेंगे कि हमने डाटा कैसे स्क्रैप करना है। तो इस पर्पस के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करेंगे, एक स्क्रीमिंग फ्रॉग, सेकंड कोई वेब स्क्रैपिंग टूल यूज़ करेंगे, और थर्ड हम उसको एक्सेल में स्ट्रक्चर वे में डाटा ला के अपने एनालिसिस करेंगे जी। अच्छा जी तो अब स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग की साइट ये है जी, स्क्रीमिंग फ्रॉग बेसिकली स्पाइडर टूल है। ये एसईओ प्रोफेशनल जो हैं वो साइट के सारे लिंक्स ब्रोकन लिंक्स चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हमें जस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के, लेकिन हमें जस्ट सारे लिंक्स फाइंड आउट करने हैं इसके लिए कि इस वेबसाइट पे कौन से लिंक्स हैं, जो लिंक्स को हम अपनी स्क्रैपिंग टूल में डाल के वो डाटा स्क्रैप करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जी मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है स्क्रीमिंग फ्रॉग। हाँ मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग ओपन कर ली है। तो बस सिंपली हमने करना जो है कि हमने अली रज़ा भाई की वेबसाइट इसमें स्क्रीमिंग फॉग में एंटर कर देंगे ताकि ये स्पाइडर जो है हमारे लिए सारे लिंक्स ले आए। मैं जी इससे पहले मैं अली भाई रज़ा भाई की वेबसाइट का
लिखो यहाँ पे, उससे पहले मैं कहूँगा बी रिस्पेक्टफुल जी, इसमें सीन ये है कि जी इसकी स्पाइडर जो है इसकी स्पीड प्लीज़ कम कर लीजिए ताकि उनका सर्वर डाउन ना हो जाए। अगर बहुत सारे लोग एट अ टाइम कर रहे हों तो इससे उनके साइट डाउन भी हो सकती है। तो हम करते ये हैं कि सिंपली हम यहाँ पे जनाब मैक्सिमम थ्रेड्स को 2 कर देते हैं जी, और लिमिट यूआरएल जो कर लेते हैं इसको भी हम 2 कर देते हैं। अब मेक श्योर आपका मोड यहाँ पे स्पाइडर हो, और कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्पाइडर से जाके हम ये हमें इमेजेस को हमने इमेजेस CSS जावास्क्रिप्ट इनको हमने कुछ भी नहीं करना। तो आप चाहिए अनचेक कर दीजिए। अब जी हम सिंपली यहाँ पे वो साइट लिख देते हैं, जी हमने स्पीड भी स्लो किया तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम होने देते हैं। मैंने ऑलरेडी ये पहले रन करके रखी हुई है, तो हम उधर से जो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको जनाब फिलहाल हम बंद कर देते हैं। ये जी ऑलरेडी मेरे पास ये सारी URLs आ गई हैं। इसको हम सिंपली करेंगे कि जी इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको जी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में हम इसको अपने अपने पास सेव कर लेते हैं। अली रज़ा साइट नाब, और इसको हम सेव करके अपने पास रख लेते हैं। अब इसको हम एक्सेल में ओपन करते हैं। तो जी फिल्टर के ज़रिए आप जो जो आपको URLs नहीं चाहिए आप उनका रिमूव कर दीजिए, और सिंपली पोस्ट वाले URLs की लिस्ट बना लीजिए। वंस योर URLs आर रेडी, तो फिर हम अपना स्क्रैपिंग टूल की तरफ चलते हैं कि जी स्क्रैपिंग टूल में हम वो URL कैसे डाल के वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वेब स्क्रैपिंग टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ईजीएस्ट वाला विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन वाला काम करने लगे हैं जी। तो URLs आपके पास रेडी है। अब एक टूल है जी, हम चलते हैं जी अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं जी। ऑक्टोपार्स के नाम से एक टूल है, ऑक्टोपार्स। हाँ जी, ये वेब स्क्रैपिंग टूल जो है ये फ्री में आपको लिमिट देता है कि जी 10 प्रोजेक्ट्स में आप डाटा स्क्रैप कर सकते हैं अप टू 1000 पेजेस। यहाँ पे जी इसकी ये फ्री नहीं है, लेकिन हम इसको इनिशियल जो इनका फ्री प्लान है हम वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जनाब आप साइन अप कर लीजिए। इसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जी, ये जी अनलिमिटेड, अच्छा अनलिमिटेड कह रहा है जी, अनलिमिटेड पेजेस पर क्रॉल, अनलिमिटेड कंप्यूटर्स, 10,000 रिकॉर्ड्स पर एक्सपोर्ट, लेकिन ये इनफ है हमारे लिए। तो जी हमने यहाँ पे साइन अप नाउ को दबाया। अब यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि आप अपना आप चाहे, मैं तो नॉर्मली इस तरीके से करता हूँ कि जी टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस ले लिया जो सिंपली जनाब यहाँ पे डाला, ये डिस्पोजेबल टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस है। अदरवाइज़ अगर हम अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दीजिए तो कंटिन्यूसली जो है इस पर हमें जी हरीत लें और इनकी प्रमोशंस न्यूज़लेटर आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली कॉपी कीजिए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद जनाब यहाँ से डाउनलोड कर लें। अब मैं इस टाइम मैक पे हूँ, तो मैक मेरा ला मैक पर इसका वर्जन नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं विंडोज़ मशीन पे जाता हूँ और आपको वही URLs दिखाते हैं जी कि आप जब आपके पास URLs रेडी हो जाएं तो आप कैसे ऑक्टोपार्स में डाल के आप डाटा स्क्रैप करते हैं जी। वंस यू डाउनलोड ऑक्टोपार्स तो आप इसको ओपन कीजिए, आपको सिंपली पहले साइन इन की स्क्रीन नज़र आएगी। जब आप उसको साइन इन कर लीजिए तो फिर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एडवांस मोड में आके टास्क पे क्लिक करना है। तो जो पोस्ट की जो URLs आपने फाइनलाइज की हैं वो आप URLs यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने फ्यू वीक्स पहले एक वेब स्क्रैपिंग पे वीडियो बनाई थी, इसमें मेरे पास URLs ऑलरेडी इस विंडोज मशीन में पड़ी हुई थी, तो मैं जनाब यहाँ पे वो URLs पेस्ट कर देता हूँ। आफ्टर दैट जी आपने सिंपली इसको सेव URL पे क्लिक कीजिए जी। अब ये जनाब यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन बतानी है कि स्क्रैपर जो है वो क्या करे ना। यहाँ पे ये जनाब उसने पेज ओपन कर दिए, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। वन हम कहते हैं जी हमें जनाब ये देखें जी आपको बता रहा है जी ये क्लिक टू सिलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द पेज।
यहाँ पे जनाब हमने इस पे क्लिक किया टाइटल पे, इसको हम बता देते हैं जनाब के ये एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट द सिलेक्टेड एलिमेंट, इसको जनाब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसको हमने बता दिया हाँ जी ये फर्स्ट पेज जो है ये टाइटल होगा, ये आपने स्क्रैप करना है। सेकेंडली ये आप पे डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रैप करना चाहते हैं, मेथड सेम रहेगा जी। एक हमने टाइटल कर लिया, सेकेंड हम दूसरा एलिमेंट, इसको जनाब हम दूसरा एलिमेंट कहते हैं जनाब के ये हाँ जी ये ऑथर नेम भी हमने जनाब एक्सट्रैक्ट करना है। इस पे हमने क्लिक किया एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड लिंक, ये जनाब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं जी, ऑथर नाम दे देते हैं जी। अब ये दो चीजें होगी, थर्ड हम कहते हैं जनाब के ये आप ना ये जो कैटेगरी है कैटेगरी वाला भी डाटा हमें ला के दो जी, तो हमने इस पे भी क्लिक किया, यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट द सिलेक्टेड लिंक पे क्लिक कर दिया जी। अब यहाँ पे हमें आप जो भी आप नाम देना चाहें उसको नाम दे दें जी, हमने कैटेगरी जनाब हमने इसको स्पेलिंग गलत है यार कर लेना चाहिए उसी बाद में। अच्छा जी ये फोर्थ में जनाब हम जो है वो कमेंट्स पे आ गए जी, हम कहते हैं जी कितने पोस्ट पे जितने जितने कमेंट्स हो रहे हैं हमें वो डाटा भी चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी कमेंट्स, आफ्टर दैट सिंपली इसको क्लिक करें ओके। अब हमने चार चीजें उसमें जनाब की हैं, हो गया जी। अब इसको कहते हैं जी सेव एंड रन, अब ये करेगा जो अभी देखिए यहाँ पे हम अपना देख सकते हैं जिसने करना क्या है, जिसने पेज पे जाना है एक्सट्रैक्ट डाटा, एक्सट्रैक्ट डाटा में हमने फोर फील्ड्स डिफाइन किए हैं, तो ये हर पेज पे जाएगा और ये चार चीजें जो हमारे पास ले आएगा, जो हमने यूआरएल्स दिए हैं उस सब के साथ हमें ये डाटा मिल जाएगा। हम सिंपली इसको करते हैं सेव एंड रन, अब जी लोड एक्सट्रैक्शन, अब ये क्लाउड एक्सट्रैक्शन काफी फास्ट होती है लेकिन वो पेड में है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लोग नॉर्मली क्लाउड पे करते हैं, लेकिन हम सिंपली लोकल एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये फ्री में है और ये हमारी मशीन में वन बाय वन इस पेज पे जाएगा और जनाब हमें डाटा ला देगा जी। लोकल एक्सट्रैक्शन पे हमने क्लिक कर दिया जी, ये जी आप देख सकते हैं जी कि ये हर पेज पे जा रहा है और ये चार चीजें एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है, टाइटल ऑथर कैटेगरी एंड कमेंट्स, ये वन बाय वन अब सब पेजेस पे जाएगा और ये लिस्ट हमारे पास ले आएगा और एट द एंड हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे और आफ्टर दैट हम उस पे अपने एनालिसिस कर सकते हैं कभी किस तरह की पोस्ट पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जो टाइटल की जो लेंथ है वो कितनी होती है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वेब स्क्रैपिंग का जनाबी एक तरीका रहा जी। जी एट द एंड आपको ऐसा रहेगा जी कि आप एक्सपोर्ट कर ले, मेरे पास ऑलरेडी ये है जिस वजह से मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा जी। जी तो डाटा जो हमने स्क्रैप किया था वो हमारे पास ये एक्सेल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जनाब ये फर्स्ट में जो यूआरएल्स थी वो आ रही हैं, सेकंड कमेंट्स, टाइटल, ऑथर और कैटेगरी, हमारी बस चार चीज़ हमने स्क्रैप करनी थी और ये फिफ्थ वन जो हमारी यूआरएल्स थी ये हमारे पास एक रेंज में आ गई हैं। अब इस पे जो आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई आपने क्या फाइंड आउट करना था उसमें, आप जनाब सिंपली यहाँ से फिल्टर लगाइए, ये मेरा लगा विंडोज़ बाहर है जी, हाँ जी अब अभी विंडो के अंदर आ गया हमारा, यहाँ से जनाब आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपने अब जो भी अपने एनालिसिस करने हैं आप सिंपली उसको कमेंट्स को मैंने यहाँ पे अरेंज किया था जी के जो ज़्यादा कमेंट जहाँ जिन पोस्ट पे ज़्यादा कमेंट्स हो रहे हैं वो ऊपर आ जाएं, आप वो इस तरह स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। वन ईजी वे टू डू दैट, आप सिंपली इसको जो ना आप यहाँ पे पिवट टेबल्स में ले आइए डाटा को, पिवट टेबल्स में आप डाटा को बहुत इजीली समराइज करते हैं। यहाँ पे जनाब ये
यहाँ पे आप डाल लीजिए कि आपने टाइटल के रिलेशन में लानी है चीज़ें किस तरीके से जनाब। आप सिंपली इसमें कमेंट्स के साथ जिस तरीके से भी आप करना चाहें फिल्टर्स लगा के जनाब आप चीज़ें कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल जो है ये स्पाइंग से रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा एनालिसिस की, क्योंकि हर बंदे की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जी ये सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ। नंबर 6 बोनस टिप। जी फाइनली आवर बोनस टिप। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई मस्ट से गाइस थैंक यू सो मच। कैमरे के आगे यार बोला नहीं जाता लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हमारी बोनस टिप है जी कि हमने ईमेल एड्रेस से डोमेन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप मे भी सोच रहे हो कि फैसल भाई हु इज़ की प्राइवेसी में, तो ईमेल एड्रेस तो उसने प्राइवेसी लगाई हुई थी। ये जनाब हाँ जी, ये हु इज़ में हमने अली रज़ा डॉट सी ओ लिखा, तो ये जनाब यहाँ पे प्राइवेसी है जहाँ पे हमें इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा, लेकिन हमने अब इनके अदर प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है। जो हम एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि जी कि वो बिल्ट विद में आप जाके रिलेशनशिप प्रोफाइल में जाके आप जो एनालिटिक्स के टैग से रिलेटेड जो उनकी वो एनालिटिक्स टैग की जो आईडी है उसके रिलेशन में डिफरेंट वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गूगल पब्लिशर की आईडी यूज़ कर रहे हैं या अदर डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी आईडी से भी फाइंड आउट हो जाती हैं। तो अब ये आईडी से हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, वेबसाइट्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो गई थी, लेकिन अब हम मज़ीद और इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि यार ईमेल एड्रेस से रिलेशन में और इनकी कौन सी डोमेन्स हैं, हु इज़ पे प्राइवेसी है, अब व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव। अब आपने ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना है, बहुत सारे तरीके हैं। एक जनाब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये जी डोम आई में जाके मैंने अली रज़ा भाई की वेबसाइट लिखी, ये जी एंटर एंटर कीजिए, इसको कुछ सेकंड लगेंगे तो जनाब ये हमें ईमेल एड्रेस निकाल देगा। ये जनाब यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। अब इस ईमेल एड्रेस को हम लेते हैं, एक वेबसाइट मैं आपको बताऊं जहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस अगर आपके पास हो तो ये एक वेबसाइट है vue.dns.info। इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं जनाब, आप रिवर्स आईपी लुकअप कर सकते हैं, आईपी हिस्ट्री, डीएनएस रिपोर्ट, रिवर्स एनएस लुकअप, काफ़ी डिफरेंट सारे इनके टूल्स हैं। हमें जनाब यहाँ पे रिवर्स हु इज़ लुकअप, यहाँ पे देखते हैं फाइंड डोमेन नेम्स ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी, यहाँ पे हमने जनाब इनका ईमेल एड्रेस देना है। ये जनाब हमने इनका ईमेल एड्रेस लिखा, गो को प्रेस किया, ये जनाब इन्होंने हमें इस के रिलेशन में जो है हमें डोमेन्स निकाल दी। ये जी कुछ जो है वो सिमिलर होंगी, arswebs.com, alireza.co, ये हमें कुछ और दिखा रहा है, बाय पासवर्ड रीसेट नाउ डॉट इन्फो, fireworkstech.com, गेट बेस्ट स्विंग मशीन डॉट कॉम, ये जनाब ये अमेजोन की अमेजोन की एफिलिएट साइट होगी, न्यू स्टोर डॉट कॉम, प्रेगनेंसी मेडिकल रिव्यू डॉट क्लब, क्विक कोर्ट्स। अब जनाब अगर आप इसको देखिए गैस स्विंग मशीन, तो जनाब ये अली रज़ा भाई की वेबसाइट है, एक ये एक एग्जांपल आपके पास आ गई। तो इसी तरीके से अगर आपने मज़ीद किसी बंदे के बारे में या उसके बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रिसर्च करके रिलेशन डिफरेंट रिलेशंस बना के मज़ीद आगे और इन्फॉर्मेशन जो है आप ये वेबसाइट लेके आप आगे मज़ीद और अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द रिंग बेल बिकॉज मोर अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन द वे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम।